भोजपुरी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। तो देखा जाए तो फिल्म एकदम हिंदू राष्ट्र पे आधारित है, देशभक्ति पे आधारित है। 265 से ज्यादा सिनेमा घरों में जो है इस फिल्म को जो है अभी रिलीज किया गया है। लोग कहता नु है लेकिन हई फिल्म देखने के बाद नहीं कहेंगे, ये मेरा दावा है। और ये पहली बार जो है भोजपुरी में जो है खेसारी लाल यादव इतिहास रचे और ये सबसे महंगी जो है 7 से 8 करोड़ इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। खेसारी लाल, नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। दरअसल आपको बता दें इस वक्त हमें मोतिहारी में बस कुछ ही क्षणों में ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आने वाले हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर लोग में काफी ज्यादा उत्सव है। खेसारी लाल यादव को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा बेसब्री और बेताब से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मेरे साथ बात करने के लिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोतिहारी पायल सिनेमा में फिल्म लगा है जिस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। अभी मेरे साथ इंटरव्यू में फोर्ड इंडियन भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार जेपी राजा, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव का पायल सिनेमा में आज फिल्म लगा हुआ है, फिल्म को लेकर विशेष क्या कहेंगे? देखिए फिल्म तो काफ़ी प्यारा है और कल भी हम देखे, आप भी थे साथ में मौजूद थे और पायल सिनेमा के जो मैनेजर साहब थे उनके साथ में हम लोग बैठ के फिल्म देखे। तो देखा जाए तो फिल्म एकदम हिंदू राष्ट्र पे आधारित है, देशभक्ति पे आधारित है और काफ़ी अच्छा फिल्म है। बजट भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म का है जिसके लिए खेसारी लाल यादव जी दिन रात एक करके देख सकते हैं कि फिल्म का प्रमोशन में लगे हैं और आज मोतिहारी में भी इनका आगमन होने वाला है। 12 बजे का टाइमिंग था, तीन बजे का टाइमिंग था लेकिन 3 बजे से चेंज करके 12 बजे कर दिया गया है, लेकिन अभी 12:30 होने वाला है, किसी कारण बस थोड़ा लेट है लेकिन उम्मीद है कि आएंगे। लेकिन जिस हिसाब का फिल्म है दर्शक से यही अपील करेंगे कि भाई ऐसा फिल्म के आप लोग सपोर्ट कीजिए, बढ़ावा दीजिए, तभी हमारा कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म को आप अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं, अश्लील भद्दी भद्दी सीन उसमें रहता है, इस पे आपका क्या कहना? देखिए लोग कहता नु है लेकिन हई फिल्म देखने के बाद नहीं कहेंगे, ये मेरा दावा है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिल्म हम पूरा देखे हैं। कहीं से भी एक मतलब होता है ना कि सूता भर भी अश्लील चीज़ नहीं है, कहीं से भी मतलब होता है कि ये सीन है वो सीन है वैसा कुछ भी नहीं है। एकदम फिल्म देखिएगा तो दिल गदगद हो जाएगा और मतलब छोटा छोटा बच्चा के साथ भी देख सकते हैं, एकदम सुपर हिट। विवेक भाई, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि असली सीन होता है आप अपने परिवार के साथ बैठ करके उस सीन को नहीं देख सकते हैं। भोजपुरी फिल्म जो भी फिल्म रिलीज किए जाते हैं वो लहंगा चोली ढोड़ी तक ही सीमित रहते हैं। कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो खेसारी उन सभी के मुंह पे तबाचा दिए, रंग दे बसंती जैसा फिल्म लाकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, भोजपुरी भाषा को बड़ा करने का काम किया, क्या क्या? देखिए खेसारी लाल यादव इतना मेहनत किए और मतलब कि अच्छा बजट करके अच्छा फिल्म तो लाए, लेकिन देखिए अभी जो है लोग हताश है भोजपुरी फिल्मों से, इसलिए कि ढोड़ी चोली जाने पर वहीं देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अब जो है धीरे धीरे जो है जो आएंगे जो जाएंगे बताएंगे कि नहीं अब जो है इस प्रकार का फिल्म आ रहा है तो लोग जो है इसमें रुचि रखेंगे और दूसरा क्या आगे भी जो है लोग जम खम कर जो है भोजपुरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारा भोजपुरी आगे बढ़े। बस रंग दे बसंती पायल सिनेमा में लगा हुआ है, फिल्म को लेकर क्या? भोजपुरी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। देखिए सबसे पहले तो ये पूरा इंडिया मतलब कि समझिए कि पैन पे लगा हुआ है, ये फिल्म रिलीज हुआ है और 265 से ज़्यादा सिनेमा घरों में जो है इस फिल्म को जो है अभी रिलीज किया गया है और ये पहली बार जो है भोजपुरी में जो है खेसारी लाल यादव इतिहास रचे हैं। और सबसे बड़ी बात की समझिए कि भोजपुरी फिल्म जिस सिनेमा घरों में नहीं लगता था, जिस थिएटर में नहीं लगता था, वहाँ पर भी जो है लग रहा है, तो ये भोजपुरी के लिए जो है बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से कोरोना काल आया था तो कोरोना काल आने से कई थिएटर है जो बंद भी हो गया, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव 2 जब लाए तो वहाँ से कुछ सिनेमा घर जो है फिर से जो है कुछ चालू हुआ। लेकिन अब समझिए कि इस प्रकार से जब फिल्म आना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारे अभी जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक छौड़ा दानो है, वहाँ पे सिनेमा घर बंद हो गया है। लेकिन हमको लगता है जब इस प्रकार का फिल्म आने लगेंगे, लोग पसंद करने लगेंगे, अब समझिए कि अपने परिवार के साथ जा जाकर जब थिएटर में जब हाउसफुल होने लगेगा तो लोग देखेंगे, तो जरूरी है कि मतलब चालू हो ही जाएगा जो है। और बहुत मतलब कि अच्छा लगा खेसारी लाल यादव जो है इस प्रकार का फिल्म, समझिए कि पूरे परिवार के साथ आप जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि ये सबसे महंगी जो है 7 से 8 करोड़ इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है खेसारी लाल यादव का। बाकी जो है उम्मीद हम यही करेंगे कि सारे जितने भी भोजपुरी के एक्टर हैं और इसी प्रकार से फिल्म लाए।